हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर ये जो टंकी आपको दिख रही है ना, ये वही टंकी है जिसमें सम्राट के छोटे वाले कपड़े रखे थे। तो कल मैंने ये टंकी खाली कर ली है, और जैसे ही बर्तन खाली होते हैं कुछ ना कुछ रखने का भी इंतज़ाम हो जाता है। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा वाले सामान रख रही हूँ, जो भी पैकेट में बच जाते हैं ना, तो इसी में डाल के ऊपर रख देंगे। और ये वाला डिब्बा खाली करके इसमें चिप्स रखेंगे। मौसी ने ज़बरदस्ती मम्मी के लिए चिप्स दिया है। अभी मेरे यहाँ बनना चालू नहीं हुआ, इसी टाइम में बनता है जब होली आती है। तो होली अब की बार तो काफ़ी लेट है, मार्च में पड़ रही है। तो मौसी लोगों ने चिप्स बनाना चालू कर दिया था, तो ये कचरी चावल वाली और चिप्स, ये दोनों ज़बरदस्ती मम्मी के बैग में डाल दिया था। तो थोड़ा सा चिप्स और थोड़ी कचरी मैंने बाहर निकाल ली है, इसको अभी तलेंगे चाय के साथ, अच्छा लगेगा खाने में। और वैसे भी जो साल भर की चिप्स रखी रहती है ना, उसमें वो स्वाद नहीं आता जो ताजे ताजे में आता है। जब ताजे पापड़ बनते हैं, ताजी चिप्स बनती है, कचरी बनती है, तो एक दो महीने ज़्यादा अच्छी लगती है, बाद में फिर जैसे उनका स्वाद बदल जाता है। और साइड से विराटू बोल रहे थे कि मम्मी आप इतना थोड़ा चिप्स तल रही हो, इसमें किसी को होगा नहीं, बहुत कम कम मिलेगा। उनको डर लगता रहता है कहीं हम सबसे छोटे हैं तो हमको सबसे कम ना मिले। तो कह रहे थे कि मम्मी और ले लो, और ज़्यादा तलो ताकि खूब सारा मिले खाने के लिए। अच्छा, देखने में ये कम लग रहा था, लेकिन तलने के बाद में चिप्स वगैरह ढेर सारी दिखने लगती हैं। तो ये पूरा तल के निकाल लेंगे बाहर। और मैं बच्चों को हमेशा सिखाया करती हूँ इस चीज़ को कि अगर थोड़ा भी सामान हो तो दोनों लोग बांट करके खाया करो। कभी ये मत सोचो कि वो नहीं देख रहा है तो हम पूरा खा डालें। होता है ना कि बच्चों को छोटी छोटी आप सीख देते रहते हो ना डेली डेली, तो वो उनके दिमाग में बैठती जाती है। तो अगर थोड़ा भी सामान रहता है ना, तो चाहे सम्राट रहें या ना रहें, लेकिन ये बुला के देगा कि दद्दू ये मेरे पास सामान है, चलो हम लोग आधा आधा बांट करके खा लेते हैं। और अभी क्या था, सुबह में बिस्किट रखा था ड्रेसिंग में, और उसमें चार बिस्किट थे। विराटू एक निकाल के बाहर गए, तो इनके पापा ने बोला कि उसमें चार बिस्किट हैं, दोनों लोग बांट करके ले लो। तो विराटू को समझ में आया कि जो एक बिस्किट लिए हैं उसको बांटने के लिए पापा बोल रहे हैं। तो क्या किए कि एक बिस्किट से आधा बिस्किट तोड़ करके सम्राट को दे दिए और आधा बिस्किट खा लिए, हमसे बता रहे थे। तो यही होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें बच्चे सीखते रहते हैं अपने आप से, फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़िंदगी भर की टेंशन नहीं रहती कि हमारे बच्चे ने ये नहीं सीखा, हमारे बच्चे के अंदर ये गुण नहीं, हम कैसे सिखाएं। तो यही रहता है। तो यहाँ मैंने कचरी में थोड़ा सा मसाला भी मिला लिया है, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सांभर मसाला, बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आ रहा था। और हम लोग जब चाय पी रहे थे ना, उसी वक्त बहुत तेज़ से आवाज़ आई बाहर रोड से, लगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ, तो ये तुरंत दौड़ते हुए बाहर गए। तो रोड पर एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, एक कार जा रही थी जिस पर 60-70 साल के कोई एजेड दो व्यक्ति के थे, मतलब एक महिला एक पुरुष, और दूसरा जो महिलाएं जो है मतलब रोड क्रॉस कर रही थी, दो महिलाएं थी, एक बच्चा था उनके साथ में 10 साल का। और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि जो 10 साल का बच्चा था वो तुरंत वहीं पर एक्सपायर हो गया, गाड़ी उसके ऊपर सीधे चढ़ गई थी। और जो दो महिलाएं उसके साथ में थी वो दोनों घायल हैं, लखनऊ रिफ़र कर दिया गया उनको। सुबह में मुझे पता चला जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस समय तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। ये लौट के आए और काफ़ी देर तक हम लोग जब ऐसे हाजिर हो जाते हैं ना, तो दिमाग पे चढ़ा रहता है, पता नहीं क्यों टेंशन हो जाती, लगता है कहीं भी इंसान सुरक्षित नहीं है। इनको देखिए, ये गुस्सा होकर लेटे हैं। सम्राट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ये कह रहे थे हम पहले देंगे, वो कह रहे थे हम पहले देंगे, तो इस वजह से नाराज हो गए। Myself, Aditya Singh. I am the son of Mr. Manoj Singh and Mrs. Kalpana Singh. I study class 4th standard from Ujjwal Junior North. My class teacher name is Respected Aarti Ma'am and my school principal name is Respected Gyan Sir. My hobbies, playing football and reading book. I want to become SSB Commando. Now I ask him to some questions, so I want to share with you, then try to reply your answer. My first question is, who is the capital of Bihar? Yes, right answer, Patna. And my next question is, who is the capital of Andhra Pradesh? Hyderabad. Yes, right answer, Hyderabad. आप सब पूछते रहते हैं कि आपके बच्चे इतना कैसे पढ़ लेते हैं, तो ये लोग हमेशा खेल खेल में पढ़ते हैं। स्कूल में जो भी इन लोगों को सिखाया जाता है, ये सब आके शाम को मम्मी से पूरा रिपीट करते रहते हैं। और सच बता रहे हैं, मम्मी को बहुत आने लगा है। पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं चलता था और इंग्लिश के अक्षर नहीं पहचान पाते थे लोग, लेकिन मम्मी को बहुत आता है, पूरा ए से जेड तक वो पूरे अक्षर पहचान लेती हैं। इंग्लिश में जो भी 1-2-3 लिखा रहता है वो सब जानती हैं, पहले नहीं जानती थी मम्मी, सब बच्चों के साथ रह रह के सीख गए। वो खुद बताती हैं, कहती हैं हम तो बहुत कुछ सीख गए हैं,
वो कहते हैं ना लोग बच्चों के साथ फिर से बचपन जीते हैं ना, तो मम्मी तो फुल जी रही हैं, हम तो नहीं जी पा रहे हैं काम की वजह से, लेकिन मम्मी पूरा इंजॉय करती हैं इन लोगों के साथ में। अच्छा पहले जब टीवी थी तो शाम को टीवी चला लेते थे बच्चे, मम्मी सब लोग टीवी देखते रहते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से एक दो साल हो गया जब से टीवी बिगड़ गई थी और इन्हीं बच्चों की वजह से फिर मैंने भी टीवी नहीं बनवाई। और आज मैंने देखी थाली कैसे लगाई है बिना कटोरी के। कभी कभी ऐसे थाली में सब्जी डाल के खाओ ना तो अच्छा लगता है खाने में, खाना वही रहता है लेकिन टेस्ट बढ़ जाता है देसी तरीके से खाना खाने में। तो मैंने आज आलू गोभी की सब्जी बनाई है, पराठा है, चावल है, तो आप सब भी आ जाइए। और अभी ये घर पर ही है तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी रजाई निकाल के इनको पकड़ा देते छत पे डालने के लिए, नहीं तो फिर मुझे ही डालना पड़ेगा। तो ये क्या बोलते रहते हैं कि मुझे जब भी तुम देखती हो ना एक एक काम ढूंढ कर लाती हो, कौन कौन सा काम इनसे करवा लें, खाली देखती हो तो तुम्हें चैन नहीं मिलता। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, सारे काम तो हम दिन भर खुद अकेले ही करते हैं, एक दो काम करवा लेते हो तो इसके लिए इतना बड़ा ताना दे रहे हो। तो ये रजाई इनसे ऊपर डलवा देंगे, थोड़ा सा सूख जाएगी तो इसको आज अंदर रख देंगे और साथ में ही उसी समय कंबल निकाल लेंगे। तो जो इसका कवर है ना इसको धुल के अभी बाहर ही रखेंगे, कंबल के ऊपर ये वाला कवर चढ़ा लेते हैं ना तो फिर कंबल धुलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आराम से बस कवर धो डालो, कंबल भी साफ़ रहता है। और साथ ही साथ बेडशीट भी चेंज कर देंगे, ये वाली धुलने के लिए रख देंगे और दूसरी जो रेड कलर की है वो वाली बिछा देंगे। और जब भी मैं कुछ धुलने के लिए रखती हूँ ना तो फिर मुझे लगता है कि लाओ इससे दो तीन जगह और साफ़ कर लें, इसे तो आखिर धुलना ही है तो बाकी जगह इसी से क्लीन कर लेते हैं। तो बेडशीट से ही मैंने बेड का जो सिरहाना है उसको साफ़ कर दिया है, हालांकि डेली यहाँ पर कपड़े में मारती रहती हूँ ताकि धूल मिट्टी चिपके नहीं, नहीं तो फिर अगर दो तीन दिन गैप कर दो ना तो एकदम चिपक जाती है, जो भी फर्नीचर होते हैं उस पर मिट्टी की एक परत बैठ जाती है। तो ये वाला चद्दर बहुत अच्छा है, मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, बहुत अच्छा है ये। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये सिकुड़ता नहीं है, अगर बच्चे रहते ना तो पूरा दिन का सिर्फ एक ही काम रहता है सोफ़ा सीट सेट करो और बेड शीट सेट करो, क्योंकि वो लोग कूदते रहते हैं उछलते रहते हैं तो सिकुड़ता रहता है, लेकिन ये सिकुड़ता नहीं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। तो एक मैं सोच रही हूँ और मंगा लूँ, क्योंकि जो मेरे पास दो बेड शीट और है ना उनके साथ यही प्रॉब्लम है कि वो सिकुड़ते बहुत हैं तो फिर डालने का मन नहीं करता है, पूरा दिन बेड शीट कौन सही करता है, पूरे काम छोड़ छोड़ करके केवल बेड शीट सही करते रहो। तो साथ में ही जो तकिया के कवर हैं इनको भी उतार लेंगे और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, अभी देखना मैं ढूंढ ढूंढ करके कितने कपड़े ले आती हूँ। और यहाँ पर जो छोटे छोटे कपड़े हैं इनको तो मैं तुरंत धुलूंगी, लेकिन जो बड़े कपड़े हैं इनको थोड़ी देर निरमा में भिगो के रख देंगे ताकि इनका जो ज़्यादा मैल है ना वो छूट जाए निरमा के साथ में, तो थोड़ा सा साफ करने में आसानी रहेगी, जल्दी छूट जाएंगे, मेहनत कम लगेगी। डट रहे हैं पंचांग लाने के लिए, लेकिन ये डेली भूल जाते हैं, पूरा जनवरी बीत गया, आधी फरवरी भी बीत गई, लेकिन ये पंचांग नहीं ला पाए। और मुझे क्या पंचांग की जरूरत, मुझे बहुत ज्यादा पड़ती है, हिंदी की जो त्योहार है हिंदी का पूरा मंथ जो है वो पंचांग से ही देखने को मिलता है, बाकी आप कैलेंडर देखोगे कहीं कुछ देखोगे आपको इंग्लिश के महीने तो और इंग्लिश की तारीख तो मिल जाएगी लेकिन हिंदी का नहीं मिलेगा। तो फाइनली ये पंचांग आ गया है। और इनको याद कैसे था, मैंने शाम को फ़ोन किया था कि आज पंचांग आना चाहिए नहीं तो घर मत आना, इनको लग गया कि आज हाई कमान हाई है, अगर लेके नहीं चलेंगे ना तो घर में आज खाना भी नहीं मिलने वाला। तो ये इधर देखो ये पूरा जो ना यहाँ पर ये पूरा हिंदी का दिए हुए त्यौहार जितना है ये आपको फ्रंट कैमरे से नहीं नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर व्रत लिखा है, ये त्यौहार लिखा है, ये पूरा जितने भी एकादशी दोष पूर्णिमा और बहुत सारी जयंती जो है ना वो सब इधर पूरा मेंशन किए रहते हैं, बहुत आराम रहता है। हिंदी में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, बहुत सारे व्रत होते हैं ना जो पंचांग से ही पता चलते हैं, बाहर से नहीं पता चलते। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर आपके घर में पंचांग नहीं है ना तो आपसे व्रत छूट जाते हैं, त्यौहार निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। यहाँ तो मेन मेन जो त्यौहार होते हैं बस वही दिए हैं, बाकी सब पूरा डिटेल में इधर दिए हैं और नीचे इधर राशफल दिए हैं, इसमें पूरे साल का भी एक पेज में मेंशन किए हैं जिसमें पूरे साल का राशफल दिया गया है कि आपको कौन सी पूजा करनी चाहिए, कौन सा ग्रह आपके ऊपर भारी है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और
मुझे याद है मैं कक्षा 5 में पढ़ती थी, उस टाइम मैंने कैलेंडर पढ़ा था, यही पंचांग, और उसमें दिया गया था कि आपके राशि पर शनि भारी है और कुछ चीजें थी जो मुझे अभी पूरी तरह से याद नहीं है, तो उसमें दिए थे कि अगर आप इनको सहन करना चाहते ग्रहों को तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो मैंने पूरे एक साल डेली शाम को पूजा की थी और डेली सुंदरकांड का पाठ किया था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, लेकिन भगवान में मेरी जो आस्था है ना वो बचपन से ही थी और अभी तक है। उस हिसाब से मैं पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ जैसे मैं पहले कर लेती थी। तो फिर मेरा मन कहता है कि कर्म ही पूजा है, आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छे से संभालिए, उससे बड़ी पूजा कुछ नहीं है। अब चल रहे हैं इसको थोड़ा अध्ययन करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, साल के जितने भी महीने हैं, जितने भी त्यौहार हैं, उनको सबको देखेंगे कब कौन सा त्यौहार पड़ रहा है। और यहीं पर मैं वीडियो को कर रही हूँ एंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।